आजम का दिल है कि मानता ही नहीं। हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे। बेटे के फर्जी दस्तावेज मामले में आजम का पलटवार। पासपोर्ट में ये गलती से हम दाऊद या लादेन तो नहीं। बीजेपी के निशाने पर अब आजम के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम आ गए हैं। शासन प्रशासन के रडार पर भी अब आजम के साथ अब्दुल्ला ही हैं। हर ओर से पिता पुत्र को घेरने की, उन्हें तोड़ने की पुरजोर कोशिश हो रही है, लेकिन आजम का दिल है कि मानता ही नहीं। लगता है उन्होंने ठान लिया है, वो कितने भी कर लें सितम, हम हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे। उनके बयानों से ये लगता है कि वो बीजेपी, केंद्र, राज्य सरकार और रामपुर प्रशासन से कह रहे हो ये दिल मांगे मोर। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अब्दुल्ला आजम के खिलाफ फर्जी दस्तावेज के मामले में लोकसभा सांसद और उनके पिता आजम खान ने पलटवार किया है। आजम ने साफ कहा कि पासपोर्ट में गलती से ये मतलब नहीं कि उनका लादेन से कोई रिश्ता है। पासपोर्ट में कोई जालसाजी या धोखाधड़ी नहीं है। पासपोर्ट में गलती से हम दाऊद या लादेन नहीं बन जाते। उन्होंने आगे कहा कि अब्दुल्ला ने कोई अपराध नहीं किया है, बरेली के पासपोर्ट अधिकारी ने बाद में गलती ठीक भी कर दी थी। हम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम दो जन्म तिथियों के मामले में फंस गए हैं। उनके खिलाफ धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद अब्दुल्ला को निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया था। गौरतलब है कि अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चुनाव आचार संहिता से लेकर अब तक कई FIR दर्ज की जा चुकी है। आकाश सक्सेना ने भी पहले रामपुर जिले के गंज पुलिस थाने में 3 जनवरी 2019 को इस मामले में FIR दर्ज कराई थी। हालांकि मार्च में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी राज्यसभा सांसद तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।